25 साल मर गया। कोर्ट से फैसला आ चुका है, कोर्ट इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। कोर्ट के फैसले पर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर हमने अपनी असहमति जरूर प्रकट की है। लोकतंत्र है मित्रों, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सहमति या असहमति प्रकट करने का अधिकार है। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसके फैसले पर सहमति भी प्रकट कर सकते हैं, असहमति भी प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हमने असहमति प्रकट की है। मित्रों, जिस दिन की यह घटना है, उस दिन छोटू वर्मा, दीपक मिश्रा थाने को सूचना दी थी। केवल थाने को नहीं दी थी, इंस्पेक्टर के साथ साथ डीएसपी को भी सूचित किए थे, एसपी को भी सूचित किए थे, लेकिन प्रशासन के लोग कान में तेल डालकर सो रहे थे, क्योंकि यहाँ का प्रशासन उन हत्यारों के साथ गाय को कटवाने वालों से महीना वसूलती है। और जो प्रशासन महीना वसूलेगा, उससे हम इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए यह आंदोलन। और मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन यह घटना घटी, 5000 मुस्लिम भाई थाने का घेराव किए थे, थाने में तोड़फोड़ की थी। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि अलीमुद्दीन का इतिहास क्या है। क्या वो एक ईमानदार, एक अच्छा नागरिक था? उस पर हत्या के केस है, उस पर चोरी डकैती के केस है, उस पर बलात्कार के केस है। और ऐसे व्यक्ति के लिए अगर थाने में 5000 की भीड़ जमा हो सकती है, तो बहुत ही उस समाज के लिए शर्म की बात होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है मित्रों, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई केवल केवल पुलिस प्रशासन के साथ है। जवाब देना होगा, और सीबीआई और एनआई की जांच होगी कि ये पूरा का पूरा महकमा जेल के शिकंजों में होगा। आपको एक घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से करीब 40 साल पहले की घटना है मित्रों। भीकम चंद मेहता के यहाँ डकैती हुई थी, उस दिन भी जनता का ही आंदोलन था, और उस आंदोलन का भी नेतृत्व मैं कर रहा था। इसी सुभाष चौक के ऊपर में सुभाष जी की मूर्ति के उनके ग्राउंड पर पुलिस की लाठी चार्ज हुई थी। पूरा महकमा दारू पीकर यहां जनता को पीटने का काम किया था। उस समय जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, हम लोग का एक डेलीगेशन गया था और उनसे मिला था। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, मुझे रामगढ़ की घटना की पूरी जानकारी है, आप चाहते क्या हो? हमने कहा पूरा थाना और पूरा डीएसपी ऑफिस का सस्पेंड कर दो। उस समय एसपी रामगढ़ में नहीं बैठते थे, और उसी समय मुख्यमंत्री ने हम लोगों के सामने डीजीपी को फोन किया और आदेश दिया, रामगढ़ का मुंशी से लेकर थाना प्रभारी तक और डीएसपी के मुंशी से लेकर डीएसपी तक उन्हें सस्पेंड आज अभी कर दो।
और रात में नोटिफिकेशन निकालो ताकि ये जब रामगढ़ लौट के जाए तो सुबह के अखबारों में पता चले कि पूरा थाना और पूरा डीएसपी ऑफिस सस्पेंड हो गया।